नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। कुमार बुध 24 मई 2020 की रात्रि 23:58 यानी 11:58 पर लगभग अपनी ही राशि मिथुन में गोचर करने वाले हैं। तो स्वराशि के हो जाएंगे बुध 24 मई से 2 अगस्त तक। आपको बुध का यह जबरदस्त कृपा पाने वाला योग बनेगा लगभग 69 दिनों तक। ऐसा संयोग, ऐसा अखंड धन योग जो आपको धनानंद बना देगा, यानी धन की कोई कमी नहीं रहेगी, सफलताओं की कोई कमी नहीं रहेगी और ऐसा अपार सफलताएं मिलेंगी जिसमें आप डूब जाएंगे। आप अद्भुत संयोग के बीच में अपने आप को खुशकिस्मत पाएंगे। लगभग 18 वर्षों के इंतजार के बाद यह वक्त वापस आया है आपकी राशि के लिए। बुध की कृपा से जातक विद्वान होता है, बुध व्यापार है, बुध वाणी है। बुध का राशि परिवर्तन जातक की कुंडली के किस भाव में होगा और किस भाव में वो किस प्रकार के शुभ शुभ फल देगा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगले 70 दिन, लगभग 70 दिन आपको किस प्रकार से बिताने हैं और किस प्रकार से आप अपने जीवन में अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। बुध की कृपा से आप जून जुलाई में भरपूर आनंद लेंगे और यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। और अंतिम बात मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपने इस वक्त का फ़ायदा अभी नहीं उठाया तो आपको अगले 18 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ेगा और रातों रात किस्मत पलटने वाले समय की शुरुआत 25 तारीख की सुबह से होती हुई नजर आ रही है और ये 70 दिन आपके लिए अनमोल है, अद्भुत है। बुध ग्रह की कृपा से आपकी राशि कन्या को अनेक शानदार लाभ प्राप्त होने वाले हैं। बहुत दिनों की तमन्नाएं, बहुत दिनों की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, कुछ ऐसा ही जान लीजिए। अब आपके जीवन में सुख तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन जो आपके अधूरे अटके लटके काम थे वो भी पूरे हो जाएंगे। जो सुख आपसे दूर भाग रहे थे वो सुख भी अब आपके करीब आ जाएंगे। ये 70 दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। बुध का यह गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है, राहु भी साथ में है, तो आपके लिए सब प्रकार की छोटी बड़ी सफलताएं जो भी हैं उनके दरवाजे खुलने वाले हैं, बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। दरवाजों में अगर 10 ताले लगे हुए थे तो वो ताले तोड़कर भी आप सफलता प्राप्त करने वाले महिला पुरुष या बच्चे होंगे। कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन 70 दिन होंगे इस वर्ष के। जो टाइम बीत गया इस साल का और जो टाइम आगे आने वाला है, उन सब में से ये 70 दिन बड़े ही शानदार होंगे। आपके अंदर जोश होगा, जुनून होगा, हर काम को कर लेने की चाहत होगी, इच्छा होगी, आपके अधूरे काम पूरे होंगे। अगर आप अपने माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं, यानी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद भी ले लेते हैं, तो खूब नहीं बहुत तरक्की करेंगे आप। ईमानदारी की राह पर चलते हुए बड़े बड़े कामों में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार में आपकी शानदार शान होगी, व्यापार बढ़िया चलेगा। आपकी बोलने की कला ऐसी होगी कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आप चुटकियों में अपने काम अपनी जुबान से बनवा लेंगे, लोग आपकी जुबान के जो शब्द हैं, आप जो तरीका, जो शब्द और जो वक्त चुनेंगे अपना काम करने के लिए, वो इतना शानदार होगा कि असफलता वहाँ पर टिक नहीं पाएगी। आप एक बढ़िया और एक शानदार व्यापारी बनकर निकलेंगे और जुबान जिसकी मीठी हो, जुबान का खेल जिसको आता हो, नौकरी हो या व्यापार हो या परिवार हो, वो आदमी हर जगह विजयी होता है, विजयी होता है और 100% विजयी होता है। छोटे हों या बड़े काम हों, आप सभी कर लेंगे। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सबकी स्मरण शक्ति यानी दिमाग इतना तेज होगा कि आपके काम स्वयं बनते चले जाएंगे। आप खुद ब खुद ऐसे लोगों से जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि आप जा रहे हैं और
सफलता जो है आपके करीब आ रही है। अब सफलता किसी इंसान से जुड़कर होगी, किसी काम से जुड़कर होगी, तो वो काम और वो इंसान आपके नजदीक आता चला जाएगा। जैसे चुंबक होता है ना, मैग्नेट, वो लोहे को खींच लेता है, वैसे आप एक मैग्नेट की तरीके से हैं। जो लोग आपकी सफलता में भागीदार होंगे, उनको आप खींच लेंगे और उनसे सफलता प्राप्त करेंगे, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, धन की वर्षा होगी, सफलता आएगी। मैं ये कहता हूं कि धन की बारिश हो जाएगी, धन का तूफान आ जाएगा, सफलता की बारिश आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, और ऐसे पैसा बरसेगा, ऐसे सफलता बरसेगी जैसे मानो कि फ्री में बट रही हो। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव में बुध कमजोर स्थिति में भी है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में भी है, तो भी आप धनवान बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे। यानी चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों कंडीशंस में। हाँ, बुध अच्छे होंगे, मेहनत जबरदस्त होगी, तो अरब खरब पति बन जाएंगे, और थोड़े से अगर बुध कमजोर होंगे तो हो सकता है करोड़पति बन जाए, थोड़ा सा तो कम होगा, लेकिन फिर भी निराशा नहीं होगी। कम्युनिकेशन का जो भी काम होता है, जैसे दूर संचार, टेलीफोन वाला काम होता है, कोरियर संचार, यांत्रिकी, कमीशन एजेंट का काम अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत सफल होंगे। बैंक से जुड़े हुए कामों में हैं तो बहुत बहुत सफल होंगे। आपके पास काम की भरमार होगी, तेजी से आप अपने काम निपटाते हुए चले जाइएगा और आगे बढ़ते हुए चले जाइएगा। काम की वजह से परिवार और रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, जाहिर सी बात है, जब काम ज़्यादा होता है तो परिवार पीछे छूट जाता है, तो हो सकता है परिवार वालों को आप उतना वक्त ना दे पाएं, जिसकी वजह से वहाँ से नाराजगी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो चले जाइए, और खास तौर पर किन पदों पर, जो प्रवक्ता होते हैं, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपका नाम होने वाला है, और अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, सफलता मिल जाएगी आपको। या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर जो लोग प्रवक्ता होते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया का हो, या किसी बड़े व्यक्ति के प्रवक्ता बन जाए, किसी हॉस्पिटल के प्रवक्ता बन जाए। देखिए, प्रवक्ता का काम होता है जो ब्रीफिंग्स देना, वो ब्रीफिंग देने वाला जो काम होता है, उस काम में आपको सफलता मिलने के पूर्ण पूर्ण संकेत हैं। अगर आपकी मेहनत 10 गुना होगी तो आपको 100 गुना फल मिलने वाला है। तो अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जितनी मेहनत करेंगे उसमें 10 गुना जोड़ लीजिएगा। 1 गुना करेंगे तो 10 गुना फल मिलेगा, 2 गुना करेंगे तो 20 गुना मिलेगा, 100 गुना करेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा, यानी डबल ट्रिपल मिलने वाला है। आपकी सफलता इतनी होगी कि कहीं आपको घमंड ना आ जाए, तो घमंड से बचिएगा। आप अगर अहंकार और घमंड से बच गए तो फिर क्या कहना, आप अपने काम में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे इस समय में। यानी कोई अगर आपको रोका टोकी करेगा, हस्तक्षेप आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कई बार यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, हो सकता है आपसे भी कोई गलती हो रही हो और कोई सुधारने की कोशिश कर रहा हो, और सफलता के अहंकार और घमंड में आप इतने आगे निकल गए कि सामने वाले की बात ही नहीं सुनी और नुकसान कर बैठे। तो यहाँ पर थोड़ा सा विनम्र होइएगा, सामने वाले की बात को भी सुनने की कोशिश करिएगा। संघर्ष के दिन अब लगभग लगभग समाप्त हो गए हैं, संघर्ष अब समाप्त हुआ, अब आप आगे बढ़िए। आप शेयर मार्केट, लॉटरी, साझेदारी के व्यापार, या कोई प्रतियोगिता या परीक्षा या क्विज वगैरह में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके लिए सफलता के बहुत बड़े चांस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय अंतराल में आपका घर या तो आप 1 मंजिल से 2 मंजिल बनाने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे, या फिर और बड़ा घर ले सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं, यानी पैसा आएगा तो आप उसका निवेश घर या घर से जुड़े हुए कामों में भी कर सकते हैं, घर में कुछ मांगलिक कार्यों पर भी खर्चा कर सकते हैं। सोचा होगा अभी तक कि हम किसी की शादी में 10 लाख रुपए खर्च करेंगे खाने पीने और ये और सब कुछ करने में, जैसे मान लीजिए, या कुछ भी करना है, तो अब क्या होगा, अगले 70 दिनों बाद आप कहेंगे 10 लाख छोड़ो, आज तो मेरी हैसियत 50 लाख की है, अगर कोई 50 लाख भी बोलता तो वो भी खर्च कर देते। अभी तक सोचा होगा कि घर के लिए गाड़ी 5 लाख वाली खरीदेंगे, लेकिन 70 दिन बीत जाने के बाद कहेंगे 5 लाख वाली छोड़िए, आज तो मैं 25 लाख वाली भी बड़ी आसानी से खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ। तो इस तरीके का कुछ वक्त आपके जीवन में आने वाला है। अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा, उनका आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। परिवार से तालमेल बिठा के रखिएगा, अहंकार घमंड मत करिएगा। बच्चे जो हैं वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी, और जहाँ बुद्धि तेज है वहाँ पे सारे काम आसान हो जाते हैं। एक अंतिम बात मैं आप लोगों के लिए कहूँगा, कन्या राशि वालों के लिए, कि
आप सीधे रास्ते पे चलकर इतना धन कमाएंगे जितना लोग टेढ़े रास्तों पे चल के नहीं कमा सकते हैं। तो ईमानदारी पूरी तरीके से रखिएगा। तो ये उपाय के लिए सिर्फ मैं आपसे यही कहूँगा, अपने पिता की जो उम्र के लोग होते हैं उनकी सेवा करिएगा, घमंड अहंकार मत करिएगा। ये ऐसा वक्त है जो शायद ही दोबारा कभी लौट के आए, और शायद ही अगर लौट के आया भी तो बहुत लंबे समय के बाद आएगा। तो इस वक्त को गवाइएगा नहीं, बुध ग्रह की कृपा से कन्या राशि वालों के जीवन में बहार आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, सफलता आने वाली हैं। आजमा के देख लीजिए, अगर इन 70 दिनों में आपके प्रयास बढ़िया रहे तो आप अगले 70 दिनों में ये कहेंगे, सचिन जी कमाल हो गया। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत है, आपको अपनी राशि का रक्षा कवच चाहिए, अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, और अपना रक्षा कवच हमेशा अपने गले में डाल के रखें ताकि आने वाली विपदाओं से, महामारी से, शत्रुओं से, ज्ञात अज्ञात भय से, बाधा से आपको मुक्ति मिल सके और आप आगे बढ़ते चले जाएं। तो अपनी राशि का रत्न, अपनी राशि का रुद्राक्ष और रक्षा कवच धारण करने से हमें ताकत और प्रोटेक्शन मिलती है, और हमारे काम में रोड़े नहीं अटकते हैं, हमारे काम में रुकावटें नहीं आती हैं, और हम शीघ्र अतिशीघ्र सफल होते हैं। हरिओम नमस्कार।